नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कोई भी हेयर का एनिमेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो बच्चा चल रही है इसके जो हेयर का एनिमेशन हो रहा है, इस टाइप का एनिमेशन कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को लेकर मैंने पहले ही ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि कैसे हमने क्रिएट करते हैं इस कैरेक्टर को, और इसके वॉकिंग भी करके आपको दिखाया था कि कैसे हम करते हैं, और रनिंग भी दिखाया था, फेस का इम्प्रेशन भी मैंने पीछे के वीडियो में दिखाया था, और आज मैं दिखा रहा हूँ कि हेयर को कैसे एनिमेट करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इस कैरेक्टर के अंदर जाते हैं। इस कैरेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमने इसके जो हेड है उसको मैंने अलग रखा हूँ, और इस हेड के अंदर मैंने जो है इस हेयर को अलग अलग लेयर पे क्रिएट किया हूँ, देख सकते हैं यहाँ से अलग। तो जहाँ से भी आपको एनिमेशन करना होता है वहाँ से उसको अलग अलग लेयर पे करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप प्रॉपर ढंग से एनिमेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग लेयर पे रखा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप में एनिमेशन करेंगे, सिर्फ एक एनिमेशन लगाएंगे और उसको हम लूप के थ्रू एनिमेशन करेंगे, जिससे हमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जितना वॉकिंग में स्टेप होता है, जैसे 30 फ्रेम तक हम इसको एनिमेशन करेंगे, और उसी टाइप से जो है हम जब वॉकिंग कराएंगे तो वहाँ भी हम इसको 30 फ्रेम तक एनिमेशन करेंगे। तो हमारा 30 फ्रेम का एनिमेशन करते हैं, यहाँ पर हम इसको 30 फ्रेम तक हम करेंगे, यहाँ तक। उसके बाद हम इसमें F6 लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंटर बनाते हैं और एक 15 फ्रेम पर F6 लगा देते हैं। हमारा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जब कैरेक्टर, ये जो हेयर है पीछे का, सिंपल रहने देते हैं, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं पीछे की ओर इतना, और इसी के अकॉर्डिंग ये जो लेयर है इसमें भी हम थोड़ा सा एनिमेशन करेंगे। इसको मैं बाहर की ओर करता हूँ, और जो ये है इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे की ओर करता हूँ, ये थोड़ा सा कम करते हैं, इतना करते हैं, और जो ये लेयर है इसको भी मैं थोड़ा सा एनिमेट कर देता हूँ, और इसको मैं इस तरफ एनिमेट करता हूँ। तो अब देखिए इस टाइप से एनिमेशन हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्लासिक ट्विन लगाते हैं, यहाँ से राइट बटन क्लिक करते हैं और क्लासिक ट्विन लगा देते हैं, और इसमें जो है ये हमारा एनिमेशन हो गया है। और उसके बाद हम बाहर जाते हैं, बाहर आने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम वॉकिंग जो साइकिल होता है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो इसको भी हम 30 फ्रेम तक क्रिएट करते हैं, यहाँ से F5 प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम एक स्टेप क्रिएट करेंगे। तो हमारा स्टेप जो होगा इसको मैं आगे की ओर करता हूँ इतना, और इसी टाइप से इसको भी मैं थोड़ा सा आगे की ओर कर देता हूँ इतना, और ये यहाँ पे आ गया, और इसको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज एनिमेशन में जो है प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। अब ये हाथ जो है हमारा पीछे की ओर करेंगे, अगर ये हाथ आगे है तो ये हाथ हमारा पीछे की ओर होगा, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये हाथ आगे है तो ये पैर जो है हमारा पीछे होगा, अपोजिट में चलता है, तो इस पैर को हमको पीछे करना है,
इसको मैं इसका पॉइंटर जो है इसका पॉइंटर मैं ऊपर कर देता हूं, ये इतना पीछे जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूं, इतना। और इस पैर और ये पैर हमारा एक्चुअली पीछे होना चाहिए था, क्योंकि ये हाथ आगे है तो ये पैर पीछे होगा। तो इसको मैं कर देता हूं इस टाइप से रोटेट। इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप से इतना। और जो ये पैर है इसको मैं आगे की ओर करूंगा, इसको साइड कर देते हैं। इसको मैं आगे की ओर करता हूं, यहां पे थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूं इसको इतना। और इसको रोटेट करता हूं इस टाइप से, और इसको मैं रखता हूं यहां पे इस टाइप से। एक स्टेप हमारा जो है इस टाइप से रहेगा। और इसको मैं क्या करता हूं, सेम यहां पे फ्रेम लगाता हूं, F6 प्रेस करता हूं, और एक 15 फ्रेम पे F6 प्रेस करता हूं। अब यहां पे जब आएगा तो इसको हमको अपोजिट डायरेक्शन में करना होगा, तो इस पैर को पीछे इस पैर को आगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इस पॉइंटर को इधर रखता हूं और इसको मैं रोटेट कर देता हूं पॉइंटर यहां, और इसको रोटेट कर देता हूं इस टाइप से। और इस पैर को इसका पॉइंटर रखते हैं यहां, इसको मैं रोटेट करता हूं इस टाइप से, ठीक है। और इसी टाइप से इसके हाथ को भी हमको इसको पीछे इसको आगे करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहां पॉइंटर इसको कर देता हूं रोटेट पीछे, और इसको मैं करूंगा आगे की ओर, इसका पॉइंटर यहां, इसको आगे की ओर यहां पे, ठीक है। अभी देखिए इस तरफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक फ्रेम जो है बीच में बनाएंगे, और पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्लासिक ट्विन कर देते हैं, सभी को क्लासिक ट्विन कर देंगे। और एक पॉइंटर हम बीच में बनाएंगे F6, एक पॉइंटर इसके बीच में F6। जब यहां पे आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए जो ये पैर है यहां पे आने के बाद उठना चाहिए, तो इसको मैं रोटेट कर देता हूं इस टाइप से, यहां पे इस टाइप से। आप देख सकते हैं इसे रोटेट हो जाएगा,
इस टाइप से, और जब यहां पे आता है तो इस पैर को हमको अबकी बार रोटेट करना पड़ेगा। इसको मैं यहां से रोटेट कर देता हूं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ। इतना ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिल्कुल सीधा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। इसको इतना पे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे जब आता कि ये बिल्कुल सीधा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, ये जो है इस टाइप से एनिमेशन इसमें आ गया। देखिए अब हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट फ्रेम है यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा यहाँ पे। इसको 1 2 3 4 5 इसी टाइप से यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसी टाइप से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। इसका मतलब होता है ये थोड़ा सा जब चलता है तो बॉडी ऊपर नीचे होता है। मैंने इसको एनिमेशन लगा दिया। अगर अभी आपको बाहर जाके दिखाता हूँ इसका एनिमेशन जो है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ इतना दूर, और इसमें मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर इस टाइप से होना शुरू हो गया है, और इसका देखिए हेयर भी जो है इस टाइप से एनिमेट होना शुरू हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से कोई भी हेयर को जितना ज़्यादा एलिमेंट रखेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी से एनिमेट कर सकते हैं और प्रॉपर लगेगा। हमने एक सिंपल वे में 3-4 जो इसके हेयर हैं उसको एनिमेट किए हैं, जो कि रियलिस्टिक इमेज बनाने के लिए आपको हेयर जब चलता है बॉडी तो उसका हेयर भी हिलना चाहिए। तो ये था दोस्तों हेयर का एनिमेशन। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।